ये सबूत है कि बस अब हमारा राजकोट में यहीं तक का सफर था, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। इसके पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि सामान हमारा सारा कुछ चला गया, आज हमारी भी ट्रेन है तो हम भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो थोड़े टाइम में बता दूंगी, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। पूरा जो घर एक एक चीज करके सजाया था वो सब कुछ निकल गया है और अब ये कुछ इस तरीके से एकदम एम्प्टी एम्प्टी सा लग रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा यार कि 2 साल इतने आसानी से यहाँ निकल गए, इतने अच्छे रिलेशन हमने यहाँ के बनाए। आंटी ऐश्वर्या वो मेरे दिल के इतने करीब है। आज तो 2-3 बार ऐसा हो गया कि रोने वाला माहौल हो गया, इतना इमोशनली अटैच हो गया, तो उनको बहुत 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 याद करूंगी, आंटी अंकल ऐश्वर्या। उसके बाद ऋचा सुनील प्रत्युर संध्या बहुत अच्छे फ्रेंड्स हमारे बने और हमने बहुत अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया। इतनी सारी चीज़ें हैं ना, एक फ्लैशबैक वीडियो लास्ट में ज़रूर ऐड करूंगी अपनी सारी राजकोट की छोटी 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 मेमोरीज को जोड़ के। इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि ठीक है यार, मेरा डायलॉग है कैसे कहीं पहुँचने के लिए कैसे निकलना ज़रूरी है, पर जो निकलने वाला पार्ट है हर दम सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कर देता है, क्योंकि मेमोरीज बहुत सारे, अच्छा टाइम बहुत सारा है, बहुत सारी चीज नई चीज़ें सीखी, बहुत सारी नई चीज़ें हुई लाइफ में, बड़े बड़े चेंजेस आए और पीरियड ऑफ टाइम में पता चली जाएंगे। बस अब बस घर में लास्ट कुछ घंटे बाकी है और आज का जो हमारा डिनर है वो आंटी के हैं, बल्कि मैं कहूँगी लास्ट के 3 दिन से वही खाना खा रहे हैं। दोनों टाइम खाना, नाश्ता, चाय, आंटी बेचारे इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आंटी ऐश्वर्या अंकल, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कोई कुकिंग नहीं करनी है, जब से सामान जाएगा तब से उनके खाना खाना, लाइक फैमिली यार, सही मैं टच फूड, दे आर लाइक अ फैमिली, फैमिली दे आर ऑसम। तो लेट इट बी, चलो चलते हैं और घर दिखाती हूँ। लोग एम्प्टी रूम टूर, एम्प्टी हाउस टूर करते, मैं आपको बताती हूँ कि हम इस घर को बाय बाय कैसे कर रहे हैं। पूरा एम्प्टी हो गया, इस वॉल पे फोटो फ्रेम्स होती थी और ये जो स्पेशली कॉर्नर है यहाँ पूप और वो मेरा साइड टेबल होता था बुद्धा, ये रूम हमारे घर का सबसे लग्जूरियस रूम था, सारे अच्छे अच्छे मूवमेंट्स यहाँ हुए, तो मैंने वीडियोज भी शूट किए काफी सारे, तो ये काफी अजीज रूम था। इसको करते हैं बाय और यश करे लास्ट की पैकिंग। और सर यश कैसा फील कर रहा है बताओ? क्या ये मतलब ये 2 साल 2 महीने हुए राजकोट में, काफी अच्छी मेमोरीज बनाई, काफी सारे लोग, काफी अच्छे मेरे कलीग्स और रियली बहुत अच्छे हमारे जो नेबर्स हैं उनसे रिलेशन एंड मोस्टली मेरे कलीग्स जो रियली 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 ऐसे कलीग्स कभी किसी को भी मिल सकते। तो चलो अभी टाइम हो गया है राजकोट को बाय करने का, क्योंकि कुछ चीजें रहती है ना चाहते हुए भी हमको करनी पड़ती है एंड सेम चीज मेरे साथ में हो गई। सो कोई कोई कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें रहती है जो करनी रहती है। सो अभी हम भी एक लाइफ के नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं और श्योर आने वाले टाइम हम बताएंगे हमारे साथ में क्या हुआ, क्या होने वाला है एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस एंड lots of memories, lots of good memories. सबसे अच्छे रिलेशन कौन से बने आपके? सबसे अच्छे रिलेशन तो खैर सबको पता ही है, अनडाउटेडली सो सबको पता ही है किस किस से बने, बट जिनसे बने उनको पता है तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। डिप्लोमेसी 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 नाम लूंगा तो लिस्ट छोड़ी गिर जाएंगी। ठीक है चलो, तो करते हैं इस रूम को बाय 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 स्टूडियो रूम कम गेस्ट रूम। अब ये पूरा एरिया में हमारा सामान खच खच के भरा होता था पर आज ये हमारे सारे खाली हो गए। और हाँ गाइस, हमारा उसूल है भाई कि जिस तरीके से अपने को घर मिला उससे बेटर कंडीशन में घर अपने को रिटर्न करना है। हर घर का कोना कोना हमने खुद क्लीन किया, स्पेशली मैंने क्लीन किया है, तो पूरी अलमीरा वगैरह अच्छे से झाड़ पोछ के हमने दी कि जो अगला बनता है उसको बिल्कुल भी सफाई सफाई का कोना हो। और हमने इतना अच्छा टाइम बिताया है तो हमने चाहते कि यार कोई बंदा इस घर में कोई गंदगी से रहे या गंदगी से हम छोड़े। बस थोड़ी 2-4 चीज़ें हमारा बाकी है। फिर ये है हमारा बेडरूम, यहाँ तो भाई अनगिनत मेमोरीज है, काउंट करते करते थक जाओगी पर पूरा एम्प्टी हो गया है, फीलिंग सो बैड। कोई बात नहीं, अलमीरा वगैरह यहाँ की भी सारी अलमीरा वगैरह खाली कर दिए, अच्छे से क्लीन कर दिए, पूरी पूरी पूरा सामान चेक कर दिया। देन दिस बेल्कनी,
छोटी सी बेल्थी थी, ऐसा घर भी हमें पता नहीं अब कब मिलेगा, हम काश ऐसा खुद का घर बना पाए, डुप्लेक्स घर था ये। तो ये बेल्कनी में घूमो, इतनी सारी कॉफ़ी पे इतने सारे गप्पे मारे, तो बाय बाय बेल्कनी, बाय बाय। चलो अब बढ़ते हैं आगे और इस रूम को भी करते हैं बाय। इस वाली स्टेयर केस में मैंने इतने सारे वीडियोज बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो का इंट्रो शूट किया है चलते चलते चलते। अब बारी है हमारे किचन और भगवान के रूम को बाय करने की। ये हमारा था भगवान जी का रूम, आपको ये स्टोर रूम पर मैंने से भगवान जी के रूम का सरिया यूज़ किया है। इतना भरा भरा सबसे अट्रैक्टिव रूम था हमारे घर का, कलरफुल, भगवान जी भी यहाँ बैठते थे। और हम इसको भी टाइम आ गया बाय बाय करने का, बाय बाय। तो ये था हमारा पूरा यूटिलिटी एरिया, यहाँ का यूटिलिटी एरिया बहुत अच्छे से प्लान करके हमने बनाया था। उसके बाद इसको भी हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है, ये सारा क्लीन करते, इसको भी हमने पूरा पूरा साफ करके दिया है। तो यूटिलिटी एरिया भी टाइम टू से बाय यूटिलिटी एरिया। ये है हमारा किचन, सारा खाना बनाया उसको इतना डेकोरेट करके रखा, छोटा था पर काफ़ी अच्छा था, इतना सारा स्टोरेज था भाई, इस घर में स्टोरेज की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, ये पूरी अलमारियाँ भरी रहती थी डब्बों से। और ये था हमारा लिविंग रूम, इसको तो मैंने बहुत स्पेशली बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, और यहाँ पूरा टाइम यहीं निकलता था लिविंग रूम में, यहाँ होता था हमारा टीवी यूनिट, यहाँ से शुरू किया था अपना लिविंग रूम टूर। और अब कर रही हूँ एम्प्टी हाउस टूर, लोग शुरुआत में करते हैं, हम भैया लास्ट में करें, अब जब कहीं और जाएंगे वहाँ के वहाँ भी एम्प्टी हाउस टूर दिखाऊंगी, फिर डेकोरेट करके भी दिखाऊंगी, पर ये देख लो इन्हें बाय तो करना पड़ेगा ना जाने के पहले। तो बस यहाँ सब कुछ हमने किया, बहुत सारी मेमोरीज बनाई, और अब टाइम है टाइम टू से बाय। थोड़े टाइम में हम निकलने वाले हैं, पर उसके पहले जा रहे हैं डिनर पे आंटी के घर, थोड़ा बहुत फरसान लेना है वो सब लेंगे, देन 9:30 बजे लेने आएगा हमें कोई, तो बस उसके साथ चल देंगे रेलवे स्टेशन, 11 बजे की हमारी ट्रेन है। सो फटाफट वाइंड अप करते हैं और आगे मिलते हैं आपको आंटी के घर डिनर। और ये था हमारा गार्डन जहाँ इतनी सारी पेड़ी पेड़ हमने लगा रखे, अब देख रहा होगा ना कितना बड़ा है गार्डन, यहाँ पेड़ वहाँ पेड़ हर कोने में एक पेड़ी पेड़। तो इस आंगन से भी बाय बोलने का टाइम है, क्या है बाय बाय आंगन। तो अभी हम लोग निकलने लगे रेलवे स्टेशन के लिए, बस सामान लोड करना है वहाँ से, जैसे कि यश के जो कलीग्स हैं वो आने वाले हैं, कुछ कुछ और अंकल आंटी ऐश्वर्या तो बट ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे, नहीं 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 पड़ेगा, तो इनके भी मेमोरीज दे लेते हैं। ओके हाय, तो यश के भी जो कलीग्स है वो धीरे धीरे जम रहे, वन लास्ट टाइम आंटी को फिलहाल में घर पे करते हैं बाय बाय, फिर तो करना ही है स्टेशन पे बाय बाय, अंकल जनरली यहीं मिलते हैं मोबाइल चलाते हुए। बाय बाय आंटी, आपसे मिलके बहुत 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 अच्छा लगा, और ये ब्लॉग मैं इसके लिए बना रही कि आप लाइफ टाइम जब मन चाहे टीवी खोलो आंटी को देख लो, आंटी लाइक मदर फिगर, आंटी इतनी ज़्यादा केयरिंग लविंग, थोड़ा सुबह से थोड़ा सा इमोशनल स्वभाव चल रहा है तो हम शांत हो जाते थे, मैं हंसी मजाक कर लेती हूँ, और ऐश्वर्या के तो क्या ही बोलूँ मैं भाई, तुम इतनी फेमस हो गए मेरे गाँव में भाई, सब जानते हैं ऐश्वर्या कौन है। तो ऐश्वर्या फिलहाल में अभी कुछ टाइम के लिए नहीं दिखेंगी, पर बहुत जल्दी हमारे और प्लान्स हैं, अब कैसे कैसे वो होंगे, फिर ऐश्वर्या फिर दिखेंगी भी उसमें, थोड़ी थोड़ी तो दिखेंगे, और नहीं दिखी ना बहुत दिन मिस हो गया ना, तो वीडियो कॉल में दिखा दूंगी तुमको। चलो अब इनसे बातें करेंगे फिर हम जाएंगे स्टेशन। ओ लाइट परमानेंट, आज हम ऑफिशियली ये घर अपने साइड से लास्ट टाइम बंद कर रहे हैं, ओम शांति, इतना मस्त ब्लिंक कर रहा है, चिंता मत कर तू, ऐश्वर्या के कार में 2 साल बाद और बैठने का मौका मिलने वाला है पर फिलहाल में 2 साल पहले 2 साल के लिए ब्रेक है। देखा जाए तो पहले इंट्रोडक्शन राजकोट का अंकल आंटी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाके आया था मेरे को, पूरा राजकोट दिखाया था ना, पूरा राजकोट, हाँ हाँ एक्चुअली अंकल ने पूरा बताया था, ये इधर ये है इधर वो है, याद करो मैं रेस कोर्स पहले टाइम जैसे आप लोग साथ नहीं ही गई थी, और फिर अपन कपड़े खरीदने गए थे ना कृष्ण भगवान के, सोसाइटी बहुत अच्छी थी, इसको मिस करेंगे, सेफ्टी। यश की
पूरी पलटन यश को छोड़ने आई है। उन्होंने नोटिस भी कर लिया कि वो लोग यश यश ऐसे तो खुश नजर नहीं आते पर अभी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने नोटिस कर लिया कि मैं इनको शूट कर रही हूँ, इनको काफी मिस करेंगे और हम देखो हमारी जनता हम एकदम शांत बैठे एकदम धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे बातें करने से प्रकाश और बोल। अब मेरे ब्लॉग फाइनली अंकल भी इसका अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं। अंकल आपको बहुत याद करेंगे, अंकल खिलाने पिलाने के बहुत शौकीन है। अंकल ने ही मेरे को पहले बार आज को अच्छे से घुमाया। अंकल अब आना है, प्रॉमिस करो सबके सामने और ऐसा जगह बैठना है। हाँ ये आला वाला सही में मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। अभी ट्रेन आने को टाइम है, जैसे ट्रेन आती है फिर जाते जाते सबसे मिलाती हूँ। और अब नागपुर आ अरे कोई दिक्कत नहीं ट्रेन में जगह तो मैनेज कर लेंगे। चलो बाय बाय। ज्यादा फोटो मत लो ट्रेन छूट जाएंगी। सोचो आना है कि नहीं आना है। फोन तो बज रहे अभी तो बहुत अभी ऐसा मैं रोक नहीं सकता, अभी इसको जाना ही है। अब यश को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती यहाँ से जाने के लिए। अब तो रोकेंगे भी नहीं हम। बाय बाय। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. As they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. As they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays,
way back a year ago. Back a year ago.